आरसीबी के मेन स्क्वाड की, तो नए कप्तान कैप्टन फाइव डी प्लेसेस विराट कोहली, ग्लेन मैक्सवेल, महिपाल लोमडोर, मोहम्मद सिराज, वानिंदु हसरंगा, विकेट कीपर दिनेश कार्तिक, जॉश हेजलवुड, शहबाज अहमद, अनुज रावत, आकाशदीप सिंह, फिन एलन, जेसन बैरनडॉफ, शेरफिन रदरफोर्ड और करण शर्मा के साथ सिद्धार्थ कौल और डेविड विली। अपॉर्चुनिटीज की बात की जाए तो विराट कोहली के लिए अपॉर्चुनिटी है कि वो अपने खोए हुए फॉर्म को इस आईपीएल से वापस ले आए। टॉप क्वालिटी बॉलिंग लाइनअप के साथ यहाँ पे खेलना है। अब कैप्टन नहीं है, कैप्टनसी प्रेशर आपका जा चुका है, तो यहाँ पे खुल के खेले और एक अच्छे तरीके से अपनी फॉर्म को वापस ले आए। हर्षल पटेल के लिए एज अ बैकअप बॉलर T20 वर्ल्ड कप में जाने के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि अगर फिर से आप पर्पल कैप या 20-25-30 ऐसे कुछ विकेट उठाते हो आईपीएल में, तो हो सकता है कि आप T20 वर्ल्ड कप के लिए जाओ। भुवनेश्वर कुमार, शार्दुल ठाकुर, ये सब में से आप थर्ड बॉलिंग ऑप्शन बन के हो सकता है चले जाओ T20 वर्ल्ड कप में। तो आउटसाइड चांस कह सकते हैं शहबाज अहमद को, जैसे BCCI को तो ऐसे गंजा फूक के डिसीजन लेने की आदत है। पहले हम बाती रायडू के जगह विजय शंकर को, इन्हें 3D प्लेयर्स बहुत पसंद है, तो आप भी एक 3D प्लेयर हो सकते हो। अगर आप बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हो इस IPL में, तो हो सकता है आपकी वाइल्ड कार्ड एंट्री हो जाए सीधा वर्ल्ड T20 में वेंकटेश अय्यर और हार्दिक पांड्या को पीछे छोड़ के। RCB के प्रोबेबल प्लेइंग 11 की, तो कैप्टन फाइव डी प्लेसेस ओपन करेंगे ये पक्का तय है। एंड आई एम वॉचिंग अनुज रावत कैप्टन फाइव डी प्लेसेस के साथ ओपन करें। विराट कोहली को 3 पे देखना चाहूँगा क्योंकि इस बार AB de Villiers आपके पास नहीं है, ग्लेन मैक्सवेल और दिनेश कार्तिक है। ग्लेन मैक्सवेल और दिनेश कार्तिक पे आप उतना ज़्यादा भरोसा कर नहीं सकते हो अभी के वक्त, तो आई थिंक विराट कोहली को मिडिल ऑर्डर संभालना होगा। 4 पे ग्लेन मैक्सवेल, 5 पे दिनेश कार्तिक, फिर नंबर 6 पे शहबाज अहमद, फिर स्पिनर वानिंदु हसरंगा, फिर 8 नंबर पे सिद्धार्थ कौल या करण शर्मा। एक फास्ट बॉलर या एक स्पिनर की ज़रूरत है, तो एक सिर्फ विदेशी एक स्पिनर है आरसीबी के पास, तो यहाँ पे करण शर्मा खेल सकते हैं। उसके बाद आपके 2 इंडियन फास्ट बॉलर हर्षल पटेल और मोहम्मद सिराज, और फिर आपकी बॉलिंग लाइनअप का लीडर जॉश हेजलवुड। RCB के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स की, तो इनकी बॉलिंग मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही है क्योंकि हर्षल पटेल, मोहम्मद सिराज और जॉश हेजलवुड फास्ट बॉलिंग ऑप्शंस है, और स्पिन में वानिंदु हसरंगा और साथ ही इनका साथ देंगे करण शर्मा, और शहबाज अहमद एक ऑलराउंडर का रोल निभाएंगे, और ग्लेन मैक्सवेल भी कुछ ओवर दे सकते हैं। तो बॉलिंग स्ट्रांग लग रही है, बट करण शर्मा कैसी बॉलिंग करेंगे इस पर डाउट है। वानिंदु हसरंगा पर भी 100% विश्वास नहीं किया जा सकता, इनका 65-35 वाला मामला रहता है। और कीपर में दिनेश कार्तिक अच्छे कीपर है, बैटिंग लाइनअप तो आई थिंक ऑल सेट है, बस अनुज रावत अगर अच्छा परफॉर्म करे और ग्लेन मैक्सवेल अपनी कंसिस्टेंसी को जारी रखे, तो RCB इस साल हो सकता है टाइटल जीत सकती है, हो सकता है सलीसा लकप नंबर नए कैप्टन फाइव डी प्लेसेस के साथ। और RCB के कैप्टन फाइव डी प्लेसेस के लिए मस्त है कि कुछ ओवर ग्लेन मैक्सवेल और शहबाज अहमद से करवाएं, और उन दोनों का जितना अच्छा इस्तेमाल करेंगे उतना आसान होगा RCB के लिए क्वालिफाई करना और जीतना। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।